भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी, जी हाँ ये दोनों एक साथ आ रहे हैं एक मूवी में फिर से। जी हाँ, जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि काजल और खेसारी अब फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे, तो आपको ये बता दें कि पराग पाटिल ये कारनामा कर चुके हैं। भोजपुरी के सबसे उम्दा आप निर्देशकों में पराग पाटिल का नाम ले सकते हैं। संघर्ष जैसी मूवी उन्होंने दी है और संघर्ष पिछले साल की बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। खेसारी के उन फिल्मों में से है जिन्हें बहुत ही अच्छे कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है। और अब आप लिट्टी चोखा को भी उसी कैटेगरी में रखेंगे। पहले तो आप खेसारी का ये लुक देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले खेसारी लाल यादव ने कभी भी किसी भी फिल्म में ऐसा लुक नहीं रखा है जहाँ पर वो शर्ट पहने हैं, पेट बाहर है। और वहीं दूसरी तरफ काजल राघवानी हैं जो एक गृहस्थ महिला का किरदार निभा रही हैं और एक कॉमन आदमी की कहानी है, एक सामान्य वर्ग की कहानी है, एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। कैसे रोजी रोटी के लिए उन्हें अपना देश घर बार छोड़कर दूसरे जगह आना पड़ता है, दूसरे प्रांत में आना पड़ता है, छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े से शहर में आना पड़ता है और अपने रोटी रोजी के लिए कितना जुगाड़ करना रहता है और किस तरह से वो अपनी मिट्टी को याद करते हैं। ये पूरी कहानी वही है, एक मर्म बताती हुई, एक दर्द बताती हुई, एक दर्द बयां करती हुई ये कहानी होगी। तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के साथ पराग पाटिल मूवी लेकर आ रहे हैं लिट्टी चोखा, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ में। और अपने सारे गिले शिकवे भूलकर काजल और खेसारी एक साथ एक अच्छी मूवी के लिए आ चुके हैं। भोजपुरी जगत की हॉट मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।